हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपसे बाबा के ढाबा वाले बाबा के बारे में बात करने वाला हूँ और इन बाबा के कुछ कारनामों के बारे में आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अब हम बात करते हैं बाबा के फर्जी मैनेजर की। जब हिंदुस्तान लाइव चैनल ने उनका इंटरव्यू लिया तब वो सही से आंसर नहीं दे पाए और उन्होंने कहा कि वो बाबा की फ्री में सेवा कर रहे हैं। अरे बाबा तो लखपति बन चुके हैं, अब आप उनकी काय की सेवा कर रहे हो। और जब हिंदुस्तान लाइव चैनल वालों ने बाबा के मैनेजर से सवाल पूछा तो बाबा के मैनेजर जवाब नहीं दे पाए और कैसे भागे वो सब आप इस क्लिप में देख सकते हो। अच्छा, बाबा ने आपको मैनेजर रखा है तो सैलरी पे रखा है या आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं? सर मैं वॉलंटियरिंग कर रहा हूँ और हमारे साथ एक दो लड़के और हैं और जो वकील साहब हैं वो भी प्रोबोनो कर रहे हैं, फ्री वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, सिर्फ हेल्प कर रहे हैं। तो आप फ्री क्यों कर रहे हैं? मतलब बाबा को जरूरत है फ्री की, अब बाबा के पास सुनने में आप काफी पैसा आ गया है। सर पैसा आ गया ठीक है, वो आप जान सकते हैं 80 इयर्स के हैं, बुजुर्ग हैं, अनपढ़ हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं है। ठीक है, वो ये चीज नहीं, उन्होंने जो हमें बताया हम बस वही कर रहे हैं। लेकिन भारत में बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो गरीब हैं, उनको सेवा की जरूरत है। अगर आपके अंदर इतना सेवा भाव है तो मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ बहुत सारे बाबाओं की, आप उनकी सेवा करिए ना जाके। सर हम ऑलरेडी कर रहे हैं, आप एक बात बताइए मुझे। ठीक है, हम ऑलरेडी बहुत सेवा कर रहे हैं, आप जाके देखिए। किस बाबा की सेवा की आपने, क्या सेवा की? हम भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि भी आपने कितने लोगों की सेवा की है। और भी बहुत सारे गरीब बाबा हैं, आप अगर एक सड़क पे गुजरेंगे तो बहुत सारे बाबा मिल जाएंगे आपको। इन्हीं बाबा में इंटरेस्ट क्यों आपका? अच्छा, तो आप शिकायत करने, अच्छा तो भाग गए बाबा के मैनेजर जो है। क्या आपको पता है कि जो बाबा थे उनका पहले ढाबा क्यों नहीं चलता था? क्योंकि वो पहले दारू पीते थे और अपने घर वालों को मारते थे, मारा कुट्टी करते थे और उनकी दुकान में बहुत गंदगी थी, इस कारण उनकी दुकान पहले नहीं चलती थी। वो तो गौरव सर आए, उनकी उनने उनकी थोड़ी मदद करी, उनके ऊपर वीडियो बनाया, वीडियो वायरल हो गई, इस कारण उनका थोड़ा सा काम चलने लग गया था। और बाबा और उनकी बेटी ने खुद ने कहा है कि वो दारू पीते थे, वो सब आप इस क्लिप में देख सकते हैं। बेटे मतलब शराब पीते हैं जो, मतलब आपके बेटे नहीं पीते, हमारे पापा पीते हैं। पापा पीते हैं हाँ, और वो ये भी मतलब जो बाबा हैं हाँ, बाबा ढाबा वही। तो मतलब वो कहते थे कि पैसे कमा नहीं पाते हैं, 50-70 रुपए ही कमा पाते थे, इसलिए जो है लोग हेल्प ही नहीं करते बेटे, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ बेटे हेल्प नहीं करते, मानते हैं जब ये पी करके बच्चों को अनाप शनाप कहेंगे, मारेंगे पीटेंगे, करने की कहेंगे कि तू भाग जाए, ये भाग जाए, तुम किस लिए हो, मेरे को ये करके दो, नहीं तो ऑटो ऐसे भागो, ऐसे भागो, मेरा घर है तो कौन ऐसा करेगा। दारू पी के फैलना बुरा है, उतना पियो, अपने घर में रहो, अपने बच्चे के साथ रहो, कोई दिक्कत ना। तो अब आपको इस क्लिप को देखने के बाद पता चल गया होगा कि बाबा का काम पहले क्यों नहीं चलता था, लेकिन अब बाबा का काम चलने लग चुका है तो बाबा का एटीट्यूड बिल्कुल बदल चुका है। जिस आदमी ने बाबा का काम चलाया, बाबा ने उस आदमी के बारे में भला बुरा कह दिया, वो सब आप इस क्लिप में देख सकते हैं। सब सबसे बड़ी उसकी गलती यह है कि हमने उसे कोई मदद मांगी नहीं। अच्छा जी बिल्कुल, ना हम उसके पास गए, बिल्कुल वो खुद हमारे पास वीडियो बनाने आया। तो देखिए आप इन एहसान फरामोश बाबा को, जिनने उनकी मदद करी, जिनके कारण उनके अकाउंट में रातों रात लाखों रुपए आ गए, जिनने उनके ढाबा को इतना वायरल कर दिया, बाबा ने उन्हीं के बारे में अनाप शनाप कह दिया। उनको तो गौरव सर का शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन वो तो एहसान फरामोश निकले। बाबा आज आप जो भी हो वो सब गौरव सर की वजह से हो, आपको तो गौरव सर से माफी मांगनी चाहिए और ये केस उनसे वापस लेना चाहिए। देखिए बाबा आप गौरव सर को, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो आपसे माफी नहीं मंगवाना चाहते हैं क्योंकि आप उनसे बहुत ज्यादा बड़े हैं, वो बाबा से माफी नहीं मंगवाना चाहते हैं, वो मेरे से क्यों माफी मांगेंगे, हो गई गलती तो हो गई। देखिए बाबा उन गौरव सर का कितना बड़ा दिल है। आज अगर कोई पर्सन किसी भी गरीब आदमी की मदद करने भी जाता है तो उनके सामने सिर्फ बाबा का चेहरा आ जाता है, इतना डर गया आदमी मदद करने से, वो सब आपकी वजह से है बाबा। अब आप देखिए कि बाबा के पड़ोसियों से जब इंटरव्यू लिया गया तो बाबा के पड़ोसियों ने क्या जवाब दिया, वो सब आप इस क्लिप में देख सकते हैं। बाबा के ढाबा के बगल में ये प्रेस करती हैं महिलाएं, एक इनसे भी जानते हैं कि कब से बंद है बाबा का ढाबा, कब से बंद है जी बाबा का ढाबा? कल भी बंद था, आज भी था, सबको ही पता है। अच्छा अच्छा, आपको क्या लगता है बाबा ने जो शिकायत दर्ज कराई है गौरव के खिलाफ, आपको क्या लगता है? भैया देखो मैं नहीं बोलूँ क्योंकि हमारे पास का रहना। अच्छा, पड़ोस का मामला है, भाईचारा खराब हो जाएगा। नहीं नहीं
सबको पता है कि बाबा कैसे हैं, फिर क्या फायदा हमें कैसे हैं, मतलब क्या पता है इतना भी क्या डरना कि बाबा क्या खाना खाते हैं क्या? हमने तो अब तक चाय भी ना पी बाबा। हम आते नहीं इनके ढाबे पे खाने के लिए इनकी गंदगी की वजह से, इतना गंदा रहता है ये, हम खुद नहीं आते, हम खुद देखते हैं यहाँ पे, खुद दारू पी के वो गंदी हरकतें करता है, तंबाकू खा के हाथ नहीं धोता है, आटे मरने लग जाता है, हम लोग यहाँ खाते नहीं, हम यहीं रहते हैं 15 साल से, हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है। तो इस क्लिप को देखने के बाद आपको पता चल चुका होगा कि बाबा के पड़ोसियों का क्या जवाब रहा। बाबा अब आपने ये क्या कर दिया, केवल पब्लिक हिसाब मांग रही थी इसी वजह से आपने गौर सर के ऊपर रिपोर्ट लिखवा दी। ठीक नहीं किया उन्होंने, तो आपके साथ भला किया लेकिन आपने ठीक नहीं किया ऐसा करके। गौरव देखो हमारे बेटा समान है, ऐसी बात नहीं है, हमारे साथ कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया है, हमारे उसने भलाई की है, हम उसके साथ क्यों ऐसा करेंगे। सर से ये है कि जो आम पब्लिक ये वो हिसाब मांग रही थी है, इसलिए हमने इसको एक शिकायत दर्ज कराई कि हमारे भी उनके भी खाते के जांच हो जाए ताकि आम पब्लिक सामने आ जाए। वाह बाबा वाह, केवल पब्लिक हिसाब मांग रही थी इसी वजह से आपने गौर सर के ऊपर रिपोर्ट लिखवा दी। और बाबा ने काफी लोगों से, काफी ब्लॉगर से अकड़ अकड़ के बात करी, उनको सीधे मुंह जवाब नहीं दिया और एटीट्यूड दिखाया, जिस कारण बाबा के जो वकील और जो उनके नकली मैनेजर है उनको एहसास हुआ और उन्होंने बाबा से कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लेते हैं जिसमें आप थोड़ा रो के दिखाना, थोड़े पुराने कपड़े पहन के आना और आंसू पोंछना, ये सब आप इस क्लिप में देख सकते हैं। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आज भी कोई कहता है कि बाबा लालची है, कोई क्या कहता है, कोई गाली देता है, आज हम 80 साल की उम्र में गाली सुन रहे हैं, कोई कहता है कि बाबा लालची है, पैसे लेके उगड़ गया, कोई कहता बाबा का ढाबा बंद हो गया, कोई कहता बाबा गिरफ्तार हो गया। अब बताइए 80 साल के बाद ही मुझे सुना था। काफ़ी लोगों का कहना है कि बाबा गरीबी हो गए हैं लाल, लेकिन मेरा इसमें ये कहना है कि बाबा जी अगर आप आज भी देखेंगे, अगर इतना पैसा आने के बाद एटीट्यूड आता तो शायद बाबा जी काम नहीं कर रहे थे, 6 बजे उठ के दुकान पे नहीं जाते और शाम तक वहाँ पे खाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और साथ ही साथ अगर आप गौरव सर के सपोर्ट में हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिए #justiceforgauravsir। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।